डिस्क्रिप्शन में चार वीडियोस के लिंक मैंने दिए हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जब आपका ये वीडियो देख के हो जाए तो प्लीज डिस्क्रिप्शन के सब वीडियो जरूर देखना। ये जो चार वीडियो, ये एस्ट्रोलॉजी के रोस्ट वीडियो है। अभी ये क्या है वो आप जब देखोगे तभी आपको डिटेल में समझ में आएगा। तो अभी आज का टॉपिक शुरू करते हैं, ज्योतिष बनने का योग। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कोई भी मुंह उठा के ज्योतिष नहीं बन सकता है। कुंडली में योग होगा ज्योतिष बनने का, तो वो ही बहुत अच्छा ज्योतिष बन सकता है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं यूट्यूब पे हजारों हजारों ज्योतिष आ गए हैं, जिनके बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर्स भी है, क्लाइंट भी है, लेकिन क्या वो अच्छे ज्योतिष है? तो आज के वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों शादी का योग होता है। बहुत सारे जातक ज्योतिष को पूछते हैं कि हमारी कुंडली में शादी का योग कब बन रहा है। आपने भी सुना होगा, आपने भी कहीं किसी से पूछा ज़रूर होगा। तो शादी का जो योग होता है, तो ज्योतिष कुंडली देख के बताता है कि भाई ये जो टाइम है ये शादी के लिए बहुत अनुकूल है, इस वक्त शादी होना अच्छा रहेगा, आसान रहेगा। तो शादी का जो योग होता है, इस पीरियड में अगर हम शादी के लिए मेहनत करें तो शादी आसानी से हो जाती है। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन जब शादी का योग नहीं होता है तो क्या शादी हो सकती है? तो इसका जवाब है हाँ, शादी हो सकती है, लेकिन उस वक्त शादी होना मुश्किल हो जाएगा। बहुत मेहनत करना पड़ेगा रिश्ता ढूंढने के लिए, और सही पात्र मिलना भी मुश्किल होगा, क्योंकि उस वक्त आपका शादी बनने का योग नहीं है। ठीक इसी तरह से पढ़ाई का योग होता है। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे स्टूडेंट, वो हमेशा ज्योतिष को पूछते हैं कि हम CA का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं, हम UPSC का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जो बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम्स होती है। तो यहाँ पे हमने देखा है फाइनल में स्टूडेंट दो दो चार चार मार्क्स से फेल हो रहे हैं, चार चार पाँच पाँच दस दस अटैम्प्ट दे रहे हैं और क्लियर नहीं हो पा रहे। तो कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में पढ़ाई का योग नहीं बना हुआ है। अगर योग बना होता तो ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो बहुत ही आसानी से और बहुत ही मेरिट रैंक से क्लियर कर देते। तो दोस्तों योग क्या होता है कि ग्रहों के कॉम्बिनेशन से, ग्रहों की युति से योग बनता है। और वो योग एक्टिव कब होता है? जब उन ग्रहों की महादशा या अंतरदशा आती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ज्योतिष बनने का योग आपकी कुंडली में है या नहीं, और कौन से ग्रहों की युति से वो योग बनता है, कौन से दशाओं में वो योग बनता है। अच्छा ज्योतिष बनने का योग ये कहीं ना कहीं अच्छा प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने के योग से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है, क्योंकि प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने के लिए बहुत ही कैलकुलेटिव दिमाग चाहिए होता है। और ठीक इसी तरह अच्छा ज्योतिष बनने के लिए भी सेम कैलकुलेटिव दिमाग चाहिए होता है, क्योंकि ग्रहों को हर एक कुंडली में बहुत ही परफेक्ट कैलकुलेशन करके समझना होता है। तो दोस्तों कैलकुलेटिव दिमाग के लिए कौन से दो ग्रह कारक है? एक तो है गुरु और दूसरा ग्रह है बुध। जी हाँ दोस्तों, गुरु मतलब जुपिटर प्लेनेट और बुध मतलब मर्क्यूरी प्लेनेट। अगर आपकी कुंडली में अच्छे प्लेस्ड हैं और वो एक्टिव है, एक्टिव का मतलब क्या हो गया, या तो उनकी महादशा या तो अंतरदशा आपकी कुंडली में अभी चल रही है, तो वो ग्रह एक्टिव है, तब कहीं जाके आप अच्छे ज्योतिष या अच्छे प्रोफेशनल अकाउंटेंट बन सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है दोस्तों, आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेरे हर एक वीडियो बहुत ही अलग होते हैं, बहुत ही लॉजिकल होते हैं। आप प्लीज़ दूसरे वीडियो भी ज़रूर देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और अभी मैं यही चीज़ आपको थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों अभी हम समझने की कोशिश करते हैं कि कुंडली में बुध ग्रह और गुरु ग्रह अच्छे कब होते हैं। ये बहुत ही मैं ब्रीफ में समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं बुध ग्रह की। अगर कुंडली में बुध ग्रह 6 नंबर में है, मतलब कन्या राशि या वर्गो साइन में, तो समझ लेने का कि बुध ग्रह बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि 6 नंबर में बुध ग्रह उच्च का भी हो गया और अपनी ही राशि में भी हो गया। बुध ग्रह एक लौता ग्रह जो अपनी ही राशि में उच्च का होता है, तो 6 नंबर में बुध ग्रह बहुत अच्छा है। लेकिन यहां पे डिग्रीज को भी देख लेना है कि बुध ग्रह 12 से लेकर 18 डिग्री के बीच में है तो बहुत पावरफुल हो गया। अगर बुध ग्रह 0 डिग्री पे है, 1-2 डिग्री पे है, या अगर 27-28-29 डिग्री पे है, तो 6 नंबर में है, उच्च का तो है लेकिन पावर ही नहीं है उसमें, तो क्या मतलब है? तो बुध ग्रह 6 नंबर में भी होना चाहिए और पावरफुल भी होना चाहिए, मतलब 12 से लेकर 18 डिग्री में होना चाहिए। तो ये सबसे बेस्ट प्लेसमेंट हो गया बुध ग्रह का। ठीक है समझ गया। सेकेंड प्लेसमेंट होता है 3 नंबर में, जो कि बुध ग्रह का अपना ही राशि है, मिथुन राशि। यहाँ पे भी बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, बहुत ही कैलकुलेटिव माइंड देता है, लेकिन 6 से थोड़ा सा कम अच्छा होगा, क्योंकि 6 नंबर में तो वो अपनी भी राशि में और उच्च का भी है। इसके अलावा बुध ग्रह कहीं पर अपनी मित्र राशि में है तो भी अच्छा हो गया। अभी बुध का मित्र कौन है? शुक्र बुध का मित्र है, शनि बुध का मित्र है, और कहीं ना कहीं सूर्य की राशि में भी बुध अच्छा माना जाता है। इसके अलावा अभी बात करते हैं गुरु ग्रह की। तो गुरु ग्रह अगर स्वराशि का है और उच्च का है, तो समझ लेने का अच्छा। स्वराशि मतलब
धनु राशि का गुरु ग्रह अच्छा हो गया, मीन राशि का गुरु ग्रह अच्छा हो गया, 9 नंबर और 12 नंबर ये दोनों गुरु ग्रह की खुद की राशि है, और इसके अलावा 4 नंबर मतलब कर्क राशि में गुरु ग्रह उच्च का माना जाता है। तो 9, 12 और 4 नंबर में अगर गुरु ग्रह बैठा है तो बहुत अच्छा पोजिशन है। इसके अलावा अगर अपने मित्र राशि में बैठा है तो बहुत अच्छा हो गया। गुरु ग्रह की मित्र राशि होती है मंगल की राशि और सूर्य की राशि, ये दोनों राशि मंगल या सूर्य की राशि में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। तो अगर किसी ज्योतिष की कुंडली में बुध और गुरु ग्रह इन राशियों में है और एक्टिव है, मतलब उनकी दशा महादशा चल रही है, तो समझ लेने का कि वो बहुत अच्छा ज्योतिष है। अभी आप किसी ज्योतिष की कुंडली तो देख नहीं सकते, तो आपको कैसे पता चलेगा ये ज्योतिष अच्छा है कि नहीं। तो दोस्तों जब वो आपका बर्थ चार्ट एनालिसिस करता है तब आप उसकी गणना से, उसकी बातों से, उसके कैलकुलेशन से आप समझ सकते हैं कि भाई ये कितना परफेक्ट है, कितना सही बोल रहा है। और दोस्तों और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि ज्योतिष को जो नहीं मानते, जो ज्योतिष को एक फेक विद्या समझते हैं, वो ज्योतिष को हमेशा से एक ताना मारते रहते हैं। आपने भी बहुत बार सुना होगा कि यार ये खुद गरीब है, इसको खुद के पैसे की तंगी है, दूसरे की कुंडली क्या देखेगा, ये आपने बहुत सुना होगा। दूसरी बात कि अगर किसी ज्योतिष का मैरिज नहीं हुआ तो बोलते यार इसका खुद का शादी नहीं हुआ, ये दूसरे की मैच मेकिंग कर रहा है, दूसरे की शादी करवा रहे। तो यहाँ पे एक बात समझना है कि अगर कोई ज्योतिष गरीब है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो पर्टिकुलर ज्योतिष की कुंडली में धन भाव अच्छा नहीं है, उसके धन भाव में अच्छे प्लैनेट्स नहीं है, इसके वजह से उसको धन की हानि हो रही है, धन प्राप्त करने में उसे मुश्किल हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा ज्योतिष नहीं है। अगर वो अच्छे ज्योतिष की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब उसकी कुंडली में बुध गुरु ग्रह अच्छा है और दोनों में से कोई ग्रह एक्टिव है तो अच्छा ज्योतिष है। हाँ ये हो सकता है कि उसका धन भाव एक्टिव नहीं है तो उसके पास धन नहीं है, लेकिन अच्छा ज्योतिष वो हो सकता है। सेम इसी तरह से उसकी मैरिज हाउस में प्रॉब्लम है तो मैरिज उसका नहीं हुआ है या मैरिज में उसका अगर होने के बाद में भी प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन अगर उसका कुंडली में ज्योतिष बनने का कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो वो अच्छा ज्योतिष है। तो हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि ज्योतिष बनने का योग है कि नहीं, सिंपल। अभी दोस्तों यूट्यूब पे भी और बहुत हम मैं देखता हूँ बहुत लोग मार्केटिंग करते, मार्केटिंग मतलब क्या है कि वो कुर्ता पहनेंगे, रुद्राक्ष का माला होता है, एक ज्योतिष का एक लुक होता है। आप कभी मेरे को मिलोगे ना, आप मेरे को देख के बोलोगे ही नहीं कि मैं ज्योतिष हूँ। मेरे क्लाइंट जो मेरे को पर्सनली मिलते हैं, जो पर्सनल कंसल्टेंट लेते हैं, वो पहले तो देखते ही उनका एक फर्स्ट इंप्रेशन होता है कि भाई ये क्या कुंडली देखेगा। लेकिन दोस्तों मेरा लुक, मैं बहुत ही नॉर्मल रहता हूँ, मैं ऐसा ज्योतिष के लुक में नहीं घूमता हूँ, लेकिन जब मैं बर्थ चार्ट एनालिसिस स्टार्ट करता हूँ तब पता चलता है कि भाई मैं कितना परफेक्ट एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज रखता हूँ। और दोस्तों अगर मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बोला, मैं पहले प्रोफेशनल कोर्स कॉस्ट अकाउंटेंट कर चुका हूँ, जैसे मैंने कहा कि ज्योतिष बनने के लिए प्रोफेशनल अकाउंटेंट बनने का योग और ज्योतिष बनने का योग सिमिलर है, तो मैं प्रोफेशनल अकाउंटेंट हूँ और उसका मैं लेक्चरर रह चुका हूँ। तो बहुत सिंपल बात है कि मैं अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनने का योग इनडायरेक्टली डायरेक्टली मेरी कुंडली में बन ही गया और वो बहुत नेचुरली मेरे पास आया। मैंने कभी कुछ एफर्ट नहीं किया, ना कुछ मेहनत किया, बहुत ईजिली मैं चीज़ों को समझने लगा और उसके अंदर मैं धीरे 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 प्रोफेशनल हो गया। बहुत ऐसे एस्ट्रोलॉजर है जिनकी कुंडली में ज्योतिष बनने का योग ही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष बनने का जो कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए बिल्कुल नहीं हो रहा है। ऐसे कितने लोगों को तो मैं जानता हूँ जिनकी पर्सनल कुंडली मैंने देखी हुई है, लेकिन वो बहुत अच्छे ज्योतिष बन के बैठे हुए, मेरे से भी अच्छे ज्योतिष। इज्जत से बात कर। इसका एक कारण ये हो सकता है कि दोस्तों ज्योतिष में ईजी मनी बहुत है। जी हाँ दोस्तों, एक कुंडली देखने के लिए 10 मिनट 15 मिनट लगता है, उसमें कंसल्टिंग चार्जेस भी मिलेगा और जो भी स्टोन रुद्राक्ष एक एस्ट्रोलॉजर रेकमेंड करता है उस पर भी उसका मार्जिन होता है। तो दिन में अगर 4-5 क्लाइंट भी मिल गए तो आप सोच सकते कितना इनकम होता होगा। तो मेहनत करो, मेहनत, मेरा मुंह मत ताको तुम, समझे? काय का मेहनत, पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। अभी दोस्तों मैंने जो 4 एस्ट्रोलॉजी का रोस्ट वीडियो बनाया था, मैं 2 बातें सोच रहा था। पहली बात कि किसी एस्ट्रोलॉजर के पर्सनल काम में इंटरफियर करने का मुझे कोई हक नहीं है, मुझे ये वीडियोस नहीं बनाने चाहिए थे। दूसरा, मैंने क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा कि यार ये क्लाइंट उनके ट्रस्ट पे जब ये स्टोन या रेमिडीज करेंगे तो उनको 100% नुकसान होगा, ये मुझे गारंटी था, क्योंकि वो जो बोल रहे हैं वो 100% गलत है। तो मैं क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हुए मैंने 4 एस्ट्रोलॉजी के रोस्ट वीडियो बनाए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इसमें से एक मैं ब्रीफ में बताता हूँ। एक एस्ट्रोलॉजर बोलता है कि भाई नीच का मंगल है तो आप मूंगा रतन धारण कर लो। अरे भाई, नीच के मंगल वाले मूंगा रतन धारण करेंगे तो पहले से वो नेगेटिव है, वो बर्बाद हो जाएंगे। तो आप अगर अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद की कुंडली विश्लेषण करिए, देखिए कि आपकी कुंडली में बुध और गुरु ग्रह की प्लेसमेंट क्या है। एक नहीं, दोनों ग्रह अच्छे होने चाहिए और दोनों में से एक ग्रह एक्टिव होना चाहिए और दोनों ग्रह डिग्री वाइज पावरफुल होने चाहिए, तभी कहीं जाके आप ज्योतिष विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़िए।
जिससे आपका भी भला होगा और जो भी लोग आपसे जुड़ेंगे उनको भी आप सही मार्गदर्शन दे पाएंगे। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आप भी अगर किसी ज्योतिष के पास जा रहे हैं या गए हैं तो कभी भी उसके लुक से प्रभावित नहीं होना, उसके मार्केटिंग स्किल से प्रभावित नहीं होना, उसके क्लाइंट्स कितने हैं, उसके सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे कितने हैं, उससे हमें प्रभावित नहीं होना है। हमें देखना है कि हमारी बर्थ चार्ट एनालिसिस कितना परफेक्ट तरीके से कर रहा है और जो भी हमें रेमिडीज दे रहा है, जो भी स्टोन दे दिया, रुद्राक्ष दे दिया, मंत्रों का जाप दे दिया, दान करने का बोल दिया, जो भी रेमेडीज दे रहा है उसका एक डेढ़ महीने में हमारे ऊपर कितना पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है, जिससे हम समझ सकते हैं कि कितना अच्छा ज्योतिष है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर करिए। दोस्तों वीडियो के नीचे शेयर का बटन है, उसको दबाइए। व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में प्लीज़ आप शेयर करिए। और आपने ये पूरा वीडियो देखा उसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।